प्रश्न: पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर: माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर 29,031.7 फीट है। यह पर्वत हिमालय पर्वतमाला में नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती हैं और उनका रंग क्या है? उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज धारियां होती हैं। ऊपर की धारी केसरिया भगवा रंग की, बीच की धारी सफेद रंग की और नीचे की धारी हरे रंग की होती है। सफेद धारी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सत्य का, और हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। प्रश्न: भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर: भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रश्न: किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? उत्तर: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल तकनीक का विकास शामिल है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। प्रश्न: पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर: पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। इसका मतलब है कि एक पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पानी जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है।